नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में उभरते नेता के तौर पर लगातार अपनी छवि को मजबूत कर रहे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावत। आज चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 4 साल यहां पर हो चुके हैं। जी हां, आज चौथा स्थापना दिवस आजाद समाज पार्टी का है और आज ही दलितों के यहाँ पर पिता कहे जाने वाले, उनके मसीहा कहे जाने वाले काशीराम जी की जयंती भी है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है। 90 साल यहाँ पर हो चुके हैं। आज उनके 90वें जन्मदिन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट साझा की, जिसमें वो यहाँ पर जो बहुजन नायक मान्यवर काशी राम जी हैं उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और साथ ही एएसपी के चौथे स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई भी देते हुए नजर आए। इन 4 सालों में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत किया है। क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर शुरुआत करने वाले आजाद अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हुंकार भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद का साफ तौर पर कहना है कि वे हार नहीं मानेंगे, मरते दम तक वे दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और अपने हक, सम्मान और अधिकार के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। यहां पर आपको आजाद का एक बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार आजाद समाज पार्टी और दलितों को लेकर उनकी क्या सोच। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं मुफ्त में तुम्हें। आप मुझे टीवी पे, अखबार में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते सुनते हो। एक बड़े बहुत बड़े क्रांतिकारी हो जिनका नाम था चैंग वेरा, उन्होंने कहा कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए। मौत एक दिन निश्चित है, मौत सबकी आनी है। ठीक है, क्या तो डर थे। उन्होंने कहा कि मेरी आने वाली नस्लें इस मुल्क में संविधान के लोगों की हिफाजत करेंगे। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तैयार हो? ये जंग है, इस जंग में कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तैयार हो? पहले युद्ध होते थे, तलवार भाले चल के राज बदलता था, अब वोट से बदलता है। अपने एक एक वोट को संभालो, तैयार करो और भाईचारा बना के बस्तियों में जाकर इनसे भी उम्मीद करो, इनसे भी कहो कि आप हमारा साथ दो। और जब हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर ईवीएम से लेके सारी मुसीबतों के खिलाफ हम लोग लड़ी रहे, तुम अपने अपने क्षेत्रों की लड़ाई को संभाल लो। तुम ये जानते हो और मैं भी ये जानता हूँ, अगर ये संविधान है तभी तो पाल प्रजापति सैनी कश्यप को कुशवा मौर्य साके सैन विश्वकर्मा जाट गुजर का बच्चा कुर्सी बैठा है, जवान वाल्मीकि फांसी धोबी गोरी फटीक का बच्चा कुर्सी बैठा है और जो मुस्लिम समाज पिछड़े वर्ग की जाति है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर नहीं होता संविधान तो कौन बैठने देता कुर्सी पर? क्या आज भी मुछे रखने पर हत्या नहीं होती? क्या आज भी मटकी पे छूने पर हत्या नहीं होती? क्या आज भी घोड़े में बैठने पर पानी नहीं गया था? तो इसका मतलब अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश नहीं बना। उसको बनाने के लिए अभी संविधान को ताकत देने की जरूरत है। ताकत तब बनेगी जब आप वोट से मजबूत हो जाओगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे भी तमाम लोग खड़े हैं, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर इज्जत मान सम्मान की जिंदगी जीनी है तो फिर संघर्ष करो, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और जो अधिकार मिले हुए अगर वो छीन रहे हैं इसका मतलब आप अपनी ताकत भूल बैठे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आजादी की लड़ाई याद करो, कितने लोगों ने कुर्बानी दी तब जाके आजादी आई। अब इस मुल्क में हमें अपनों से नहीं लड़ना, इस मुल्क को 5 साल देखा आपने? जो 5 साल आपसे वोट लेके आपकी तरफ ना देखे, आप बहुत बहुत गैर जिम्मेदार हो गए। आप ये महसूस करो, आप 5 रुपए का सामान लेने जाओगे 4 बार देखोगे सामान को, लेकिन वोट डालने जाते कभी नहीं सोचते कि नेता आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपकी आवाज बनेगा नहीं बनेगा। जब जुल्म होगा, अन्याय होगा, आपके साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, जब सरकार आपके खिलाफ कानून बनाएगी तो सरकार की मुखालफत करेगा नहीं करेगा, आप जानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। आप सोचते हो नेता वो होता है जो अच्छे कपड़े पहन ले, जिसका कुर्ता इतना नीचा सा हो, 4 बढ़िया मिठाई आपकी खाए तो आपको खिलाए, आपकी टोपी अपने सर पे रख ले और चुनाव के बाद अपनी टोपी आपके सर पे रख दे, आप उसी नेता मानते हो, मैं क्या करूंगा? अगर आप नेता को समझते हो तो नेता वो होता है जो काम आम आदमी नहीं कर सकता, वो काम नेता की जिम्मेदारी होती है, बाकी काम तो आप अपने करते ही हो। नेता आगे थोड़े आपके यहाँ चक्की चलाएगा, नेता आगे थोड़े आपके खेत का काम करेगा,
आपके नेता का काम यह है कि वो जो ताकत आप उसको देकर भेजते हैं उससे जाके पार्लियामेंट में वो आवाज उठाए अपने क्षेत्रों के लिए। आज बताओ गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए कहां स्कूल बच रहे हैं, स्कूल में कौन सी पढ़ाई हो रही है बताओ। मैं अभी होके आया, एक माँ मुझे मिली इडी कीरतपुर में, उसने मुझसे कहा कि मुझे 9 लाख रुपए मेरे खर्चों में कर्जदार हूँ और भट्टे में काम कर करके पैसा चुका रहे हूँ, बेटा मैं क्या करूँ। तो देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में वो काशीराम जी की जयंती पर श्रद्धांजलि उन्हें देते हुए नजर आए। तो चौथे स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को यहां पर बधाई भी देते हुए नजर आए। जानकारी दे दें कि आज नगीना में एक महाजनसभा को संबोधित चंद्रशेखर आजाद करने वाले हैं। जो पोस्ट यहां पर आजाद ने साझा की है उसमें आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस पोस्ट में नजर आ रहे हैं। उनके बगल में यहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नजर आ रही है और यहां पर काशीराम जी की तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन दलितों की मसीहा कही जाने वाली चंद्रशेखर आजाद जिन्हें अपनी बड़ी बहन के तौर पर बुलाते हैं मानते हैं, उनका चेहरा इस तस्वीर से गायब नजर आया। यानी कि मायावती इस तस्वीर में नजर नहीं आ रही है। जहां एक ओर मायावती को बड़ी बहन के समान मानते हैं लेकिन इस तस्वीर में उनको ना शामिल करना, इस ट्वीट में उनको शामिल ना करना, क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती को कहीं ना कहीं यहां पर एक चेतावनी दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले कि उन्हें साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए वरना दलित वोट बैंक दो गुटों में बंटता हुआ नजर आएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज मायावती भी कोई बड़ा ऐलान करती हुई लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ सकती है। क्या ये ऐलान चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हो सकता है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।